हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में देखिए जे जे थॉमसन ने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स में ये ऑब्जर्व किया कि जब किसी मेटल की सरफेस पर सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक करती है तो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं इस फिनोमिना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं देखिए इस डायग्राम की बात करें तो इसमें ये मेटल सरफेस हो गई जब इस पर सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक करती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। तो इसी फिनोमिना को हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं।, अब कुछ ये के अंडर में करते हैं और कुछ मेटल्स ये इफेक्ट एनर्जेटिक यूवी लाइट के अंडर शो करते हैं अब सीजियम की बात करें तो एल्कि मेटल्स में इसकी आयोनाइेशन एनर्जी लोवेस्ट होती है तो इस वजह से इस मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स लाइट की प्रजेंस में इजिली इजेक्ट हो सकते हैं तो इसी वजह से इस मेटल का यूज फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में किया जाता है अब डिफरेंट कंडीशंस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी की गई और उससे कुछ ऑब्जर्वेशन ऑप्टेन हुए बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की देखिए अगर हम ईच मेटल की बात करें तो उसके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए इंसिडेंट लाइट की एक सर्टेन मिनिमम फ्रिक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है इस फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसको हम न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे अब अगर मेटल पर थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी से स्मॉलर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट गिरती है तो उस केस में वहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होते हैं चाहे वो लाइट मेटल सरफेस पर लॉन्ग टाइम के लिए ही क्यों नहीं स्ट्राइक करती है या उसकी इंटेंसिटी भी कितनी ही हाई हो सिंपली मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए थ्रेसोल्ट फ्रिक्वेंसी की इंसिडेंट लाइट ही रिक्वायर्ड होती हैं अब इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं लेकिन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली वेरी करती हैं मींस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है अब मेटल सरफेस से इजेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स के नंबर की बात करें तो ये इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होती है मेटल की सरफेस से उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो इसको हम क्लासिकल वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते देखिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट की एनर्जी है वो उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है अब अगर ये व्यू करेक्ट होता है तो उस केस में किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट को जिसकी इंटेंसिटी सफिशेंट होती है अगर हम मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करवाते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो जाता है लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के बेसिस पर इजीली समझ सकते हैं देखिए क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो एनर्जी के बंडल के फॉर्म में होती है जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं फोटॉन की एनर्जी एच न्यू के इक्वल होती है यहाँ पर एच प्लैंक्स कांस्टेंट हो जाएगा और न्यू रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी अब न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी या थ्रेसोल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट का फोटॉन जब मेटल के इलेक्ट्रॉन्स पर स्ट्राइक करता है तो वो फोटॉन अपनी एंटायर एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को दे देता है और इस एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रॉन अपने आप को एटम में से न्यूक्लियस के फोर्स से रिमूव कर देता है और उसका इजेक्शन हो जाता है तो इस तरह से हम कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एक फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है अगर लाइट की फ्रिक्वेंसी थ्रेसोल फ्रिक्वेंसी से कम होती है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होता है तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए फोटोन की जो मिनिमम एनर्जी है वो इसके इक्वल होती है यहां पर न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी अब हम ये सपोज करते हैं कि मेटल सरफेस पर गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेसोल फ्रीक्वेंसी से हायर है और इसकी वैल्यू न्यू है अब इस लाइट का फोटोन जब मेटल सरफेस से स्ट्राइक करता है तो उस फोटोन की कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से सेपरेट करने में कंज्यूम होगी और फोटोन की जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी प्रोवाइड करने में कंज्यूम होगी मीन्स उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में कंज्यूम होगी अब देखिए यहाँ पर मेटल से इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए फोटोन की जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल होती है अब आइंस्टीन ने क्वांटम थ्योरी को अप्लाई करके इक्वेशन नंबर वन दी जिसके अकॉर्डिंग एच न्यू फाइव और काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल होता है यहाँ पर फाइ मेटल की थ्रेसोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हो जाएगी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को इम्पार्ट की गई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अब थ्रेसोल्ड एनर्जी की बात करें तो उसकी वैल्यू एच न्यू नॉट के इक्वल हो जाएगी यहां पर ये यह हो जाएगी थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी अब फाइव की वैल्यू को हम इक्वेशन वन में पुट करते हैं फिर इस वैल्यू को इधर शिफ्ट करके यहाँ पर एच कॉमन ले लेंगे तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर थ्री आ जाएगी जिसको हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं Einstein, जो एक था, उसको को करने के लिए 1921 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था अब इक्वेशन थ्री को रॉबर्ट मिलिकल ने भी अपने एक्सपेरिमेंट से टेस्ट किया था और वेरियस एक्सपेरिमेंट से काइनेटिक एनर्जी न्यू और न्यू नॉट के वैल्यू के बेसिस पर इक्वेशन थ्री से प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट की गई थी जिसकी वैल्यू ये आई थी और ये वैल्यू ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एक्सपेरिमेंट से ऑप्टन वैल्यू के सिमिलर है तो इस तरह से आइंस्टीन फोटो इक्वेशन वेरीफाई होती है अब देखिए अभी जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा था उससे ये प्रूव होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम सिर्फ पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं लेकिन कुछ फिनोमिना जैसे डिफ्रेक्शन इंटरफेरेंस पोलराइजेशन ऑफ लाइट की बात करें तो इनको हम सिर्फ क्लासिकल वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बेसिस पर ही एक्सप्लेन कर सकते हैं तो इस तरह से हम लाइट को ड्यूल कैरेक्टर के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं मीन्स लाइट पार्टिकल के फॉर्म में भी बिहेव करती है और वेव के फॉर्म में भी बिहेव करती है